दोस्तों इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश और वाइकोम 18 को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आप भी डीडी फ्री डिश के ही ग्राहक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि वाइकोम 18 की ओर से एक विचार रखा गया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। जब उनसे सवाल किया गया कि साल 2019 में जब आपने अपने रिश्ते सिनेप्लेक्स और रिश्ते चैनल को डीडी फ्री डिश से हटाया है तो उसके बाद से आपको कितना घाटा देखने को मिला, यानी कितनी अर्निंग रेवेन्यू में आपको घाटा हुआ है या प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ है, और डीडी फ्री डिश से हटाने के पीछे जो आपका मकसद था वो क्या, कहीं आपको सक्सेसफुल नजर आ भी रहा है या कहीं ना कहीं आपको घाटा महसूस हो रहा है, तो उसको लेकर जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं उसी को यहाँ पर आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, चलिए एक बार इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए बताना चाहूंगा, आपको मालूम है साल 2019 में ट्राई टैरिफ ऑर्डर के लागू होने के चलते सभी तमाम बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने मिलकर फैसला लिया था कि जो भी उनके सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनल्स हैं, जैसे कि आपका स्टार उत्सव है, जी अनमोल है, करज रिश्ते है या रिश्ते सिनेप्लेक्स है, उसे यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स चलते हैं उन्होंने यहाँ से अपने लिए एक एप्लीकेशन सबमिट की थी कि डीडी फ्री डिश में अगर देखे जाने वाले चैनल्स मौजूद रहेंगे तो सब्सक्राइबर बेस जो है वो डीडी फ्री डिश का बढ़ेगा और हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो कहीं ना कहीं घटता चला जाएगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि डीडी फ्री डिश से इन चैनल्स को हटा दिया जाए, तो यही कारण है कि आज तक ये चैनल्स हमें अभी तक देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात करेंगे कि आखिर वाइकोम 18 ने अपने विचार क्या रखे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने डीडी फ्री डिश से इन चैनल्स को हटाया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो रिवेन्यू थी वो कुछ घटी थी, हमें कुछ ना कुछ जो था इसका इफेक्ट पड़ा था, नुकसान हुआ था। लेकिन जब हमने सोचा कि अपने चैनल्स को हम जो है रिमूव करने के साथ डीडी फ्री डिश हटाने के साथ इसको रीब्रांड करें तो कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा भी मिला है। फायदा कैसे, देखिए जब डीडी फ्री डिश में मौजूद थे तो उस वक्त रिश्ते था और रिश्ते सिनेप्लेक्स था, लेकिन जैसे इनको कलर्स की आइडेंटिटी मिली यानी डीडी फ्री डिश हटाए जाने के बाद इसको एक नया नाम मिल गया जिसका नाम हो गया रिश्ते सिनेप्लेक्स से कलर सिनेप्लेक्स और रिश्ते से कलर्स रिश्ते। तो उसके बाद से कहते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी काफी बड़े हैं और हमारी जो अर्निंग है वो भी काफी अच्छी हो गई है, यानी कहीं ना कहीं जो है हमें इसका प्रॉफिट मिला है, फेवर में हुआ है, ना कि हमें नुकसान नहीं हुआ है। डीडी फ्री डिश हटाने के पीछे जो हमारा मकसद था वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सक्सेसफुल नजर आया है। और वो क्यों नजर आया है, क्योंकि कलर सिनेप्लेक्स जो है खासकर हिंदी फिल्मों का चैनल जब से वो बदला है उसके बाद से लोगों ने उसको देखना अधिक पसंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब वो रिश्ते सिनेप्लेक्स की ओर से देखने को मिलता था तो उस दौरान जो फिल्में थी वो खासकर साउथ इंडियन सी थी, हिंदी बहुत कम थी और उनके पास नई मूवीज की लाइब्रेरीज भी नहीं थी। लेकिन जैसे उन्होंने अपने चैनल को रीब्रांड किया तो उसके साथ ही इनके पास वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर्स को लेकर या फिर बिल्कुल नई हिंदी फिल्में भी आ चुकी हैं और आने वाले समय में और भी नई हिंदी फिल्में आने वाली हैं, तो इसको लेकर क्या है प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स के पास इनकी मांग बढ़ गई है। और साथ ही उन्होंने उसका हाई डेफिनेशन जो वर्जन था उसको भी रीब्रांड कर दिया, पहले सिनेप्लेक्स एचडी हुआ करता था लेकिन बाद में उसे भी कलर सिनेप्लेक्स एचडी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से उनको प्राइवेट ब्रॉडकास्टर यानी प्राइवेट डीटीएच के लिए ही बना दिया गया और उसके बाद से उन्होंने कहा है कि हमें काफी फायदा हुआ है, यानी आने वाले समय में हम नहीं चाहेंगे कि हम इसे वापस से डीडी फ्री डिश में लॉन्च करें। हाँ, ये हो सकता है कि वाइकोम 18 अपनी तरफ से कोई दूसरा चैनल लॉन्च कर सकता है डीडी फ्री डिश उपभोक्ताओं के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि रिश्ते सिनेप्लेक्स एक बार फिर से शुरू हो गया है लेकिन अभी तक वो हमारे लिए लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से जो है वो ब्रॉडकास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन यही चैनल्स हमारे लिए वापस आए इसकी उम्मीद जो है वो मुझे कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है। बेशक उन्होंने पहले कलर्स रिश्ते को वापस से लॉन्च करने की बात की थी लेकिन बाद में जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ कारण ऐसे हो गए जिसकी वजह से वो चैनल्स हमारे लिए विड्रॉ हो गए, उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया, अपनी ई ऑक्शन विभाग जो था उसने वापस ले लिया। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है वो ये है कि डीडी फ्री डिश में आने वाले समय में इन चैनल्स की जो मांग है वो घटती ही जाएगी और ये जो चैनल्स है वो अपने वापस से लॉन्च करने की उम्मीद में नहीं है। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कुछ सवाल हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आखिर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है हमें खबर मिली वही आपको बताते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी आपके सामने कुछ भी पेश नहीं कर रहे हैं, कहीं आप इसको गलत ना समझें। नमस्कार।